दुनिया की खूबसूरती को बयान करने के लिए कविता से बेहतर कोई माध्यम नहीं है। वहीं दुनिया के दुखों का भार भी इन्हीं कविताओं ने सदियों से अपने कंधों पर ढो रखा है। स्त्रियों के सारे सपने इन कविताओं में बंधे हुए हैं। पुरुषों के डरों को भी कविताओं ने स्वीकारा है। विश्व में कितने ही लोग हुए हैं जिनके लिए कविता ने प्राणवायु का कार्य किया है। कविताओं से हम हैं और हम ही से कविताएं हैं। कवियों और श्रोताओं पाठकों के लिए भूत भी कविता थी, वर्तमान भी वही है और भविष्य भी वही है। साल 1999 में पेरिस में हुए यूनेस्को के 30वें अधिवेशन में तय किया गया कि हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसा अभिव्यक्ति व कला के इस माध्यम को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। कविताएं प्राचीन काल से ही न सिर्फ मानव मन को बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों को कलात्मक ढंग से कहने का एक ठोस तरीका रही हैं। भारत में ऋषि मुनियों ने काव्य और छंदों में कितनी ही बातें कही हैं, कितना साहित्य चौपाई और दोहे में संजोया गया है। इसी क्रम में यूनेस्को का मानना है कि कविताओं के माध्यम से आंचलिक भाषाओं को भी बचाया जा सकता है। 21 मार्च का यह दिन कविता के रूप में मानव सभ्यता के भीतर मौजूद भाषाओं की विविधता का उत्सव है। कविताओं ने सदा से ही अपने समय की गवाही दी है, मानव मन के राग गाए हैं और लोगों को जोड़ने का काम किया है। कितने ही आंदोलनों से लेकर पर्वों तक कविताएं ही एक स्वर के रूप में बाहर आती हैं। चलिए दोस्तों, क्वेराफ्लिक्स पर आज के इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।